नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मेघा कौशिक। दोस्तों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे क्या कुछ नया होने वाला है आज आपके दिन में, क्या करेगा आपका दिन लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हर इंसान अपनी जिंदगी में सुख संपदा अखंड सौभाग्य चाहता है, लेकिन कई बार समय पर ये सब नहीं मिल पाता। तो बताएंगे कुछ टिप्स जिससे आएगी घर में अपार धन दौलत, साथ ही राशिफल भी बताएंगे। और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप भी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख और जन्म का समय बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। गुड लक ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भोलेनाथ का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र, एक ऐसा दुर्लभ मंत्र जिसका जाप आपको देगा सुख, अपार धन संपदा, अखंड सौभाग्य और प्रसन्नता। तो शुरुआत करते हैं पहले आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको धैर्य रखना होगा और लोगों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। आज जो भी काम करें आप, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को आपको समझना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथाश्रम चले जाइएगा, वहां फलों का दान कर दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी स्टेप उठाने से पहले ठीक से, अच्छे से सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, अपने आप से संतुष्ट हैं, तो पूरी ताकत से आगे बढ़ने में भी कोई आज बुराई नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए चंदन का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको बातों की बजाय अपने कामकाज के ऊपर फोकस करना होगा। आपकी तरक्की का, आपकी उन्नति का, आपके प्रमोशन का कोई नया रास्ता आज खुल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। जी गुरुजी, आगे बढ़ते हैं और एक कॉल ले लेते हैं। गुरजीत जी का कॉल है जो कि पंजाब से कॉल कर रहे हैं। गुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। 18 जनवरी। जी 18 जनवरी 1970। 18 जनवरी 1970। बर्थ प्लेस? हाँ जी, आप ओके। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं अपने कारोबार बारे पूछना चाहूंगा, अपने बेटियों बारे पूछना चाहूंगा। वापिस बोलिए, क्या पूछेंगे। व्यापार के लिए पूछना चाह रहे हैं गुरु जी। देखिए, ऐसा है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा सन 2016 से शुरू हुई है। समस्या ये है कि आपका जो शनि है वो आपकी जन्म कुंडली में फाइनेंशियल हाउस का, पैसों के घर का जो स्वामी है शनि, वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। नीच मतलब नेगेटिव रिजल्ट देने वाला। सन 2035 तक आपको शनि की महादशा चलेगी और यही आपकी लाइफ का मिडिल टाइम भी है। तो यदि आप फाइनेंशियल लॉसेस से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पैसों से आपको बरकत हो,
नुकसान नहीं हो व्यापार में, तो आपको दो काम तो अवश्य करने पड़ेंगे। पहला काम ये करना पड़ेगा कि शनि की शांति के लिए नियमित रूप से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। और अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो इस तरह का एक कोरल मूंगा आता है, तिकोना मूंगा बोलते हैं उसको, 6.25 रत्ती का चांदी में अनामिका उंगली के अंदर आपको धारण करके रखना है हर वक्त। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, क्योंकि शनि को ठीक करना है तो मंगल को अप करना होगा, और संभव हो तो शनिवार के दिन काली गाय आपके आसपास गांव में शहर में हो तो काली गाय को नियमित रूप से आपको चारा खिलाना है, गुड़ खिलाना है, रोटी खिलानी, जो भी श्रद्धा हो आपकी काली गाय की सेवा का नियम मान लीजिए, निश्चित तौर पर शनि की आपको शुभता प्राप्त होगी और आपका जो अच्छा समय जो शुरू होगा अगले वर्ष मार्च 2019 के पश्चात में आपका जीवन का अच्छा समय शुरू होगा। जी गुरजीत जी, उम्मीद करते हैं आपकी समस्याओं का हल आपको मिल गया होगा। अगले कॉलर गुरुजी राजन हैं पंजाब से, जो कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 11 जून 1988 और 11:55 रात का टाइम बताते हैं। राजन जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। राम राम बेटा। पंडित जी मैं एक्चुअली मेरी ना 1 ईयर हुआ अभी शादी को, हाँ। और मेरे बेटा हुआ था पंडित जी, उसकी डेथ हो गई, फोन न्यू फोन हुआ था। तो पंडित जी मैं मेरे फादर के साथ भी नहीं बनती, मैं बिल्कुल बड़ा डिस्टर्ब हूँ, बस मुझे कुछ रास्ता दिखा हुआ होगा क्या करूँ। जो अच्छी तो आप, मैं आपको फॉलो करता हूँ, गौ सेवा भी करता हूँ, जैसे जैसे आप बोलते हो मैं यूट्यूब पे आपको हमेशा फॉलो करता हूँ। ठीक है बेटा राजन, थैंक यू वेरी मच हमारे शो को नियमित रूप से वॉच करने के लिए। जहाँ तक बेटा आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, समस्या ये है कि आपकी जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा शुरू हुई है, सन 2013 से शुरू हुई है, 2031 तक चलेगी। राहु आपके दिमाग में बैठा है, लग्न में बैठा है, सोच में बैठा है, विचार में बैठा है, और राहु के साथ मंगल भी बैठ गया। राहु मंगल जब साथ हो जाता है तो अंगारक योग बन जाता है। अंगारक योग मतलब आपको बेहद गुस्से वाला भी बना सकता है, आपकी नेचर में एग्रेसिवनेस भी लेके आता है और विचारों में उतार चढ़ाव भी लेके आता है। जहाँ तक पहला आपके संतान का मिसकरेज होने का सवाल है, संतान सुख में जो कमी होने का सवाल है, क्योंकि आपके संतान घर का जो स्वामी है वो आपकी जन्म कुंडली में बुध है। बुध अस्त है, अस्त मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। तो आने वाला समय अभी सितंबर के पश्चात से, इसी वर्ष 18 सितंबर के पश्चात आपका समय बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ सरल उपाय, एक तो वजन के बराबर गुड़ का दान करो, आगे आप संतान चाहते हो तो ध्यान रखो, हरे कपड़े खूब पहनो, हरी सब्जी खूब खाइए और हरी चद्दर पे सोइए, वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिए। गोमेद रत्न आता है, गोमेद बोलते हैं उसको, राहु की शांति के लिए 7.25 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर रविवार के दिन चांदी में धारण कर लीजिए। रविवार को भैरव जी के मंदिर दर्शन करिए, भैरव जी का मंदिर नहीं हो तो कुत्ते को एक कचौरी और दही मिलाकर खिलाइए, सब अच्छा होगा। जी राजन जी, उम्मीद करते हैं जो उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे और उनसे आपको जरूर फायदा भी होगा। अगले कॉलर भानु जी जुड़ गए हैं गुरुजी जैसलमेर से, जो अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 14 नवंबर 1977 और 8 रात का टाइम। भानु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी भानु जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है, ये अपना शायद भविष्य जानना चाहते होंगे गुरुजी। देखिए भानु जी, आपकी हमारी बात नहीं हो पाई, मैं आपको बता देता हूँ, मंगल की महादशा आपको सन 2011 से चल रही है और जून अगले महीने 29 जून 2018 को मंगल की 7 साल की महादशा आपकी खत्म हो रही है। मंगल आपके फाइनेंशियल हाउस में, प्रॉफिट हाउस का जो मालिक है मंगल, वो आपकी जन्म कुंडली में फाइनेंशियल हाउस में नीच का होके बैठा है, तो कहीं ना कहीं पिछले 6-7 साल से जो पैसों से जुड़ी जो आपकी जितनी भी समस्याएं थी वो समस्याएं अब आगे आने वाले समय में खत्म होने वाली हैं, आप निश्चिंत रहिए। आपकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह नीच के, एक तो मंगल नीच का है, दूसरा सूर्य नीच का है। सूर्य की शांति के लिए एक तांबे का कड़ा सीधा हाथ में धारण करिए, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। मंगल की शांति के लिए मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित तौर पर जून 2018 के पश्चात सब कुछ अच्छा रहेगा। जी गुरुजी, जयंती लाल जी भी जुड़ गए हैं हमसे सिरोही से, 18/12/1974 ये डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और 10 रात का समय बताते हैं। जयंती लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
जी आपके टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और उसके बाद सवाल कीजिए जयंती लाल जी। नमस्ते गुरु जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्णा। मैं सर जानना चाहता जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो कि लेकिन मेरे डर नहीं है, खुद के घर में नहीं रह पा रहा हूँ। खुद के घर में नहीं रह पा रहे? हाँ। क्यों? किराए पे भटकना पड़ता है। क्यों सर? शायद इनका खुद के घर की इच्छा है। ऐसा 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 है बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर अभी शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में भी बुध का अंतर है। निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर आपका स्वयं का मकान होगा। इस वर्ष तो नहीं कहता हूँ, लेकिन अगले वर्ष की दीपावली आप अपने घर के अंदर, अपना खुद के घर के अंदर मनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो सिर्फ ये है कि जमीन जायदाद के घर में मंगल और राहु दोनों साथ बैठ गए हैं। मंगल तो जमीन को लाने का काम करता है और राहु उसमें अड़चन लाने का काम करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर का सपना पूरा हो, आपका एक सुंदर सा घर हो, फ्लैट हो, जमीन हो, जायदाद हो, तो एक तो हर रविवार को भैरव जी महाराज के दर्शन करें, एक दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं, जो कि आपके जमीन जायदाद में रुकावट लाते हैं, उनको प्रसन्न कीजिए। निश्चित तौर पर आपको जीवन में फायदा होगा। और उसके साथ में नियमित रूप से, चूँकि भाग्येश मंगल है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है। अगले ही वर्ष के अंदर आपको अपना खुद का घर प्राप्त होगा। तो आगे भी आपकी कॉल लेते रहेंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए क्या कुछ खास है आपके लिए। कन्या राशि की बात करते हैं। आज दिन भर बदलती हुई सिचुएशंस के साथ में आपको बेहतर संतुलन बनाए रखना होगा। दूसरों के साथ आज जो भी रिलेशंस है, जो भी संबंध है, उसमें क्लियरिटी रखिएगा। कोई भी बात आज गोलमाल तरीके से मत कीजिएगा। आज के दिन के सफलता के लिए झूठ नहीं बोलने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप काफ़ी सोच विचार करके अपने कारोबार से संबंधित फैसले करिएगा। अतीत के जो मैटर हैं, पास्ट के जो मैटर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की आज आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आपका ही नुकसान होगा। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में मटके का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं, आज आपको अपने कारोबार, अपने व्यापार, अपने बिजनेस, अपने रोजगार, अपने घर की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना होगा। कंसंट्रेट करके इनमें से किसी भी एक मैटर पर आज आप अपने ध्यान को केंद्रित करें, समाधान अवश्य मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मेहंदी के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड लक टिप्स में।